बराबर में आप खुद ही बता दीजिए क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राखी सावंत और बहुत जल्द मैं राखी सावंत कलाल बनने वाली हूँ। दलाल या कलाल? कलाल, राखी कलाल। बट ये सब लोग करण जौहर कब से आपको दलाल दलाल बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर करण जौहर ने मुझे दीपक कलाल से दीपक दलाल कहा तो मैं उसको करण शोहर कहूंगा, ऐसा मैंने उसे जवाब दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो फ्यूचर में मुझे दलाल कहेगा। डार्लिंग, पहले हाथ तो निकालो। ओके, अभी शादी हुई नहीं है। ओके, जी मैं एक्चुअली यूट्यूब की दुनिया का बादशाह हूँ और मेरे जो वीडियोज है वो काफी वायरल हो रहे हैं और शायद ही कोई ब्यूटी क्वीन है जो मुझे मेरे वीडियो से बची है। तो राखी ने जब मेरे वीडियोस देखे तो उसने पाया कि कौन है हट्टा कट्टा तगड़ा मुष्टंडा और मैं शौक होके बेहोश होके गिर गई। हाँ, तो इसने मुझे जो है राखी ने मेरे वीडियो देखे और मुझे पता चला कि राखी जी ने जो कि इतनी बड़ी सुपरस्टार है और उन्होंने सलमान शाहरुख आमिर खान सबके साथ बड़े बड़े आइटम सॉन्ग्स किए हैं, तो मैं भौचक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया और मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मामा ये देखो राखी सावंत ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है और मैं खुशी के मारे झूमने लगा और उसके बाद में प्यार हमारा परवान चढ़ते गया। 10 साल तक इन्होंने अपने सीने में अपनी छाती में हमारा प्यार दबा के रखा है। डेफिनेटली, क्योंकि 10 साल, क्योंकि राखी सावंत मतलब एक तकिया को मैंने राखी सावंत बना के रखा था। हेलो, तकिया कलाम कहते, तकिया नहीं, नहीं मतलब जो हम सोते हैं ना, तो जो मुलायम तकिया जिसको हम साथ में लेकर सोते हैं वो तकिया। तो हाँ, तो उसके साथ में खिलवाड़ करते रहा। क्या? हाँ मतलब उसको सहलाना बलखाना जो पूरी इंडिया करती है उसमें क्या क्या कौन सी बड़ी बात है यार। ओके, तो उसमें कोई भौचक का रहने वाली बात नहीं, क्योंकि राखी की जो फिगर जो है उसके बूब्स बूटी उसकी जो है वो पूरी यूथ दीवानी है और मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर ये बूटी थैंक्स टू माय डॉक्टर। या मतलब ये जो तुम्हारी बूटी है जड़ी बूटी से बनी है, मतलब ये ओरिजिनल है ना। बूटी मतलब? बूटी मतलब ये हिप्स जिसे हम कहते हैं, जिसे हम लिप्स से प्यार करते हैं, हिप्स। हिप्स? हाँ, नहीं, हिप्स तो असली है। हाँ, तो वही बस, तो इसीलिए जो है मैं प्यार हो गया। बहुत से लोगों को एक्चुअली राखी के बूब्स पसंद है लेकिन दीपक कलाल को अगर आप पूछोगे तो उसे राखी की बूटी पसंद है। तो मैं अपनी बूटी का इंश्योरेंस करा रही हूँ और मुझे 70 CR का। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि उसकी जो बूटी जो है वो बहुत प्रेस्टिजियस है और 70 CR डॉलर्स या रुपीस? रुपीस, डॉलर ज्यादा है कि रुपीस ज्यादा है? डॉलर्स। ओ नहीं, इंडिया में मैच रुपीस ठीक है तो चलेगा, बट बहुत बहुत अच्छी इनकी बूटी है और इनकी बूटी को कोई भी बीट नहीं कर सकता है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बूटी तो अच्छी है, आपकी बूटी के बारे में जरा बात कीजिए, आपकी बूटी इतनी टूटी हुई क्यों है? देखो हमने वर्जिनिटी टेस्ट करवाई है राखी और मेरी जो वर्जिनिटी टेस्ट है, आपकी बूटी इतनी फटी हुई क्यों है, टूटी हुई क्यों है आपकी बूटी? कहाँ कहाँ जाते हैं आप, क्या करते हैं? देखो एक्चुअली मेरे साथ हर मीडिया में आपकी मेरी बूटी बचा लो, मेरी बूटी, मेरी बूंद बूंद बूंद, क्या बूंद बूंद लगा रखा है, बूंद बूंद लोग तरस रहे पानी को, आप बूंद बूंद बचा रखा है आपने। एक्चुअली ऐसे नहीं है, 3 पंजाबी लड़कों ने मेरे साथ बल्ले बल्ले की करने की कोशिश की। बल्ले बल्ले मीन्स बलात्कार? हाँ, और उन्होंने मुझे तहस नहस किया था और उसमें मेरी क्या गलती है? कैसे, क्या हुआ है, कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने मेरे चूचियों को पियर्सिंग किया था और मैं पंजाब में घूम रहा था तो वो लोग शराबी थे और उसके बाद में वो ललचा गए, उनके पैर फिसल गए और वो मेरे साथ आके कुछ कुछ ऐसे करने लगे जिसे समाज अहमियत नहीं देता है और उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ। आप तो एक लड़का है तो आपकी चूचियों को कोई कैसे सला सकता है और आपकी ये जब पंजाबी शराब पीते हैं बूटी को कोई तहस नहस कैसे करता है? आपका कैसे आप बलात्कार हो गया, कैसे हो गया ये? आपने पुलिस कंप्लेंट कर क्यों नहीं करवाई? मैं पुलिस के पास गया, उन्होंने भी मुझसे वही एक्सपेक्ट किया। और आप अभी यहाँ मेरी हमारी शादी की बात करने आए हैं कि आपकी बूटी का रोना रोने आए हैं? नहीं नहीं, मैं शादी की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपने बात पीछे से छेड़ी इसीलिए मैंने उसे उजागर की। बात तुम्हारे पीछे की है तो पीछे से छेड़नी पड़ेगी ना। तो वैसे मैंने मेरी वर्जिनिटी टेस्ट की है और अभी जो है वो मेरी बूटी सुरक्षित है और मुझे नहीं लगता है कि इससे अभी तुम्हें फ्यूचर में कोई हानि होगी। तो खंडाला घाट हो गई है अब आपकी बूटी। तो आपकी मैंने सर्टिफिकेट देखा। तो आप ये ट्रेन लेकर चढ़ो ना, प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं लेकिन आपके क्यों, आप ऐसा क्यों करते हैं? नहीं नहीं देखो, ये मैंने नहीं किया, जो भी किया वो लोगों ने किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी। कोई गलती नहीं है,
आप प्लेट में लेके घूम रहे हैं वो बूटी को, कह रहे आपकी कोई गलती नहीं है। राखी तुम समझने की कोशिश करो, वो लोगों ने मेरे आपकी बूटी का इतनी इंजर्ड है, ठीक है, बूटा का क्या हाल है? नहीं नहीं, मेरा जो बूटा है वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है। और जब तुम लॉस एंजलिस में आई थी तब मैंने तुम्हें मेरे मर्दानगी का एहसास करवाया है, और इनफैक्ट बहुत जल्द हम राखी सावंत डॉल लेकर आ रहे हैं। वाओ रियली? और ये डॉल जो है वो पूरे इंडिया को सेटिस्फाई करेगी, एक सिलिकॉन डॉल होगी, और जिस तरह पे यहाँ पे कांड हो रहे सेटिस्फाई करेगी, मतलब जिस तरह से इंडिया में गलत कांड हो रहे, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, तो वो डॉल के सहारे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। वो कैसे? अरे मतलब तुम एक सिलिकॉन गालियां देगी, वो डॉल गालियां देगी? नहीं नहीं, ये जो डॉल है ये सिलिकॉन की मुलायम डॉल होगी, और उसको लोग यूज करने के बाद वो शांत हो जाएंगे और क्राइम बढ़ना बंद होगा, ऐसी मेरी सोच है। और ये जो मेरी सोच कैसे है, शांत होगे? क्योंकि वो लोगों को ऑर्गेजम्स मिलेंगे और वो ऐसे कुछ गलत काम नहीं करेंगे फ्यूचर में। व्हाट? राखी तुम्हें अग्री करना होगा, ये एक सोशल वर्क है। पति की पतीला राखी, इसमें गलत कुछ नहीं है, तुम समझ नहीं। तो अभी बीवी की इज्जत बचाता है? अरे ये एक समाज क्या कर रहा है? मेरे जो विचार है वो आज इंडिया में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हजार साल के बाद लोग डेफिनेटली कहेंगे कि मैं सही हूँ। राखी अगर हमें भारत में जो अत्याचार लड़कियों के ऊपर हो रहे हैं उसको बचाना है, तुम मेरी डॉल बना के बचाओगे क्या? लेकिन लोग वर्चुअली करेंगे, वो प्रैक्टिकली तो मैं ही करूंगा ना, और कोई नहीं करेगा। अरे लेकिन कोई तो अपनी बीवी को बचाना चाह रहा है, तुम तो खुद सार्वजनिक हो, मुझे सार्वजनिक बना रहे हो। राखी उससे जो दुष्परिणाम होने वाले, तुम्हें पता है ना कि मैं पवित्र हूँ। मुझे पता है कि तुमने तुम्हारे इंटरव्यू में कहा है कि तुम एक मंदिर हो, टेंपल हो। अरे तो मैं ही तो पुजारी हूँ ना जो घंटी बजाऊंगा, और कौन बजाएगा मंदिर में? घंटी तुम बजाते रहे ना अपनी, ना तुम्हारे पास घंटा है ना घंटी, कैसे बजाओगे? अरे जो से मैंने लॉस एंजलिस में बजाई थी, ऐसे मत करो राखी, मैंने मेरे मर्दानगी का इसको प्रूफ दिया है राखी को। और राखी तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी पूरे मीडिया के सामने कि दीपक कलाल एक हाथ मैं तो कितनी खुश थी कि तैमूर की डॉल बनी है, सब लोग कितना प्यार उसे करते हैं, और आप मेरी डॉल बनाएंगे एले से, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, अरे मुझे, मैं तो सपनों में खो गया, मुझे ऐसे लगा कि काश तुम वो सिलिकॉन की डॉल बन चुकी हो और मैं तुम्हें सहला रहा हूँ, बलखा रहा हूँ, फुसला रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगा था कि आप मेरी डॉल बनाएंगे और हर जगह मेरी डॉल आएगी, लेकिन आप तो मेरी डॉल का बलात्कार करवा रहे हो, वेरी बैड। नहीं नहीं देखो, इसको गलत वे में ना ले, इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी जो शादी जो है उसकी सुहागरात की लाइव हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से इंडिया में लोग हैं। सुहागरात सुहागरात सुहागरात, मेरे को तो तंग आ गई हूँ सुहागरात से, पहले शादी की तो बात करो, हम कहाँ कौन से कार्ड आपने किससे छपवाए, मेरा ड्रेस किससे बनवाया, शादी कहाँ करेंगे, कौन जेवर बनाएगा? हेलो, ये हल्दी का ड्रेस अलग, एक मिनट, हल्दी का ड्रेस अलग, मेहंदी का ड्रेस अलग, संगीत का ड्रेस अलग, शादी का ड्रेस अलग, ये शादी सुनो सुनो सुनो, ये शादी नहीं, एक मिनट पहले मुझे बात कंप्लीट करने दो। तुम शादी से पहले इतने झगड़े कर रहे हो, शादी के बाद क्या करोगे? सुनो पहले, जैसे मैं सब हीरोइनों के एक एक, मैंने सुना दीपिका का ड्रेस 1 करोड़ में बना है, तो मेरा शादी का ड्रेस 10 करोड़ में तो बनना ही चाहिए। देखो ये जो हमारी शादी होगी ये नंगी पुंगी शादी होगी। हाँ राखी, इसमें तुम ड्रेस नहीं पहनोगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। नंगी पुंगी शादी? अगर हम कपड़े पहनते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ऐसे नासा के रिसर्च में साबित हुआ है, और इसीलिए ये शादी नंगी पुंगी होगी। राखी प्लीज, तुम्हें इसके लिए नासा वालों ने हमको ही बोला क्या नंगा होने के लिए, और दूसरों को क्यों नहीं बोलते नंगा होने? राखी इसमें जो पैसे बचेंगे 10 करोड़, वो हम गरीबों को वीवो और ओप्पो ले जो यूज कर रहे हैं उनको हम आईफोन गिफ्ट करेंगे। बहुत से लोग ऐसे इंडिया में हैं जो इस तरह से मोबाइल यूज कर रहे हैं उनको हम आईफोन गिफ्ट करेंगे। राखी समझने की कोशिश करो, कैसा खच्चर पति होने वाला है जो खुद की बीवी को नंगी करके दूसरों को ओप्पो वीवो X1 बांट रहा है। राखी देखो तुम समझ नहीं, अरे होने वाले पति ने तो मैं तो डूबकर मर जाना चाहिए। मैं तो तुम्हारे प्यार में डूबकर मर चुका हूँ, इसलिए गोते मार रहा हूँ डार्लिंग, मतलब उसमें मुझे नहीं लगता है कुछ गलत है। नहीं आप बताओ, संगीत का ड्रेस कितने कितने CR का है, मेहंदी का नहीं, ड्रेस? नहीं देखो मुझे पता नहीं है कि तुम क्यों इतनी इंटरेस्टेड हो मेहंदी होने में और ये पीली हल्दी लगाने में। डार्लिंग ये पीली हल्दी लगाने से मुझे लगता है कि तुम जल्दी से हो जाता है क्या? नहीं नहीं, जल्दी से ढीली हो जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
प्लीज राखी तुम समझने की कोशिश करो। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, अंग्रेज नहीं है, हमारे को रस्म और रिवाज होते हैं, हल्दी लगाई जाती है। तुम हिंदुस्तानी हो, लेकिन तुम्हारा ये जो पति है ये लॉस एंजलिस से है डार्लिंग, मैं तो अमेरिकन हूँ। लॉस एंजलिस लग ही रहा है ये। हाँ। बिल्कुल लॉस ही है। नहीं नहीं, लेकिन मैं बहुत बेनिफिट्स दूंगा तुम्हें, बहुत हम लोग एंजॉय करेंगे, हमारे 20 बच्चे होंगे, और तुम्हें पता है कि ये मुझे इतना दुख। पहले तुम 2 मिनट चुप बैठो, कब से बोले जा रहे हो औरत की तरह, मुझे भी तो बोलने दो। सब मुझे सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे, तुम्हारा पति खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। उठो जरा, खड़ा होके दिखाओ, देखो खड़ा हो सकता दुनिया वालों। हाँ। देखो खड़ा हो गया, अभी तुम लेट के बताओ। नहीं, इधर खड़ा हो गया, 2 मिनट चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ, ठीक है। खड़ा नहीं हो सकता तुम्हारा पति का, खड़ा नहीं हो सकता, हो गया खड़ा है, देखो हो गया। तो अभी सबको विश्वास, अभी नीचे बैठ जाओ। हाँ, एक मिनट। तो अभी सबको विश्वास हो गया के खड़ा होता है। हाँ, तो जो लोग मेरे बारे में ये गलत धारणाएं लोगों की है, मुझे लगता है उनकी धारणाएं तब बदलेगी जब उनकी गर्भधारणाएं होगी। मुझे तो अभी ऐसे ही लग रहा है। किसकी गर्भधारणा? नहीं, मतलब जो लोग मेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। पहले तो ये बताओ कि तुमने मेरा वर्जिनिटी सर्टिफिकेट क्यों लिया, ये बताओ पहले। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? नहीं नहीं, देखो राखी, पहले से ही अपने 4 डॉक्टरों को भेज दिया मेरी करने के लिए। और तुमने जो मेरे पिछवाड़े का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा उसका क्या? पहले तुमने मेरा वर्जिन सर्टिफिकेट मांगा, अभी अभी खुश हो ना? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि राखी पवित्र है। कहाँ से? आगे से और पीछे दोनों साइड से। हाँ, लेकिन उसको तुम्हें चेकिंग में 2 घंटे लगा दिए, मतलब क्या हो रहा था अंदर? चेकिंग हो रही थी और क्या होगा, 2 घंटे। हाँ, चेकिंग, ये तो 2 घंटे तो कम है। तो जसलोक, मेरी चेकिंग के लिए 5-6 घंटे लगते हैं। तो जसलोक हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आए थे क्या? नहीं, बहुत ज्यादा चेकिंग को टाइम लगा दिया। जैसे तुमने मेरा सर्टिफिकेट लिया, इमीडिएटली मैंने मेरे डॉक्टर को कहा कि मुझे इस आदमी पे विश्वास नहीं है, इसका अगवाड़ा पिछवाड़ा पूरा टेस्ट करो। राइट। और तो सर्टिफिकेट आ चुका है, क्या डॉक्टर ने कहा तुम्हारा अगवाड़ा तो है ही नहीं, पिछवाड़ा तो तुम्हारा खंडाला घाट हो चुका है। अरे वो सर्टिफिकेट में पूरी तरह से लिखा है कि मैं पवित्र हूँ, और मैंने कुछ उनको पैसे नहीं दिए, मैंने ब्राइब नहीं किया है, और वो पूरी तरह से जेन्युइन सर्टिफिकेट है राखी। नहीं, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास की बात ही नहीं है, मैं तो I'm a virgin. वो मुझे पता है और पूरे इंडिया को पता है कि तुम वर्जिन हो, लेकिन मैं भी तो वर्जिन हूँ ना। सलमान खान भी वर्जिन है, मैं भी हूँ डेफिनेटली, और हम दोनों वर्जिन हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वर्जिन है। हाथ मत लगाओ। अरे उससे वर्जिनिटी ब्रेक नहीं होती है। नहीं, फिर भी अच्छा। राखी, आप लोग शायद से अपनी शादी को छोड़कर सारी बातें कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी, जो भी शादी की न्यूज आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, ये हम जानना चाहेंगे। क्योंकि इससे पहले राखी आपका इंटरव्यू किया गया था, आपने साफ साफ मना किया था कि आप दीपक से आपको कोई लेना देना नहीं, आप उनको जी मैंने पहले कहा था कि दीपक से शादी करने से, दीपक से शादी करने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैंने कहा था जी। लेकिन ये मेरे चरणों में गिर गए, 4 घंटे तक उठे नहीं, रोने लगे मेरे चरणों में, और रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया, खाना नहीं खाया, पीना नहीं पिया, रो रो के इन्होंने अपना बुरा बैन चढ़ा था। अरे एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं भी तो सिर्फ हाथ ही रख रहा हूँ ना यार, मैं कहा तुम्हारा मुंह बंद कर रहा हूँ। तो इन्होंने इतने चरणों में रो रो के मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक हिंदुस्तानी नारी, एक आदमी कम औरत, मेरे पैरों के नीचे इतना गिड़गिड़ा के रोए के शादी करनी है मुझे, तुमसे प्यार करता हूँ राखी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कैसे बोला था बताओ, कैसे रो रो के बोला था तुमने मुझसे प्यार करो, कैसे रोए थे बताओ, बताता हूँ। हाँ राखी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अबे रो रहा है, सेक्स कर रहा है। मैं एक्चुअली थोड़ा हॉनी में रोता हूँ। रो ऐसा रो रहे जो गिड़गिड़ा रहते, बताओ कैसे गिड़गिड़ा रहते राखी। हाँ ऐसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे जो ये बिस्लरी के आंसू है ये तुम्हारे रिबॉक पे गिर रहे हैं, इसको टिश्यू से पोंच लो राखी। किसी प्रोडक्ट का नाम आप ले नहीं सकते, उन्होंने हमको पैसा दिया नहीं है। ओ सॉरी। तो तुम्हारे जूते पे गिर रहे हैं, तो तुम इसको पोंच लो। तो मैं बहुत रोया, यहाँ तक कि हमारे जो राखी है उसके पूरे जूते जो है वो गीले हो गए, और फिर राखी ने जो है वो मेरी बात मान ली, और इसीलिए आज मैंने सिर्फ पैंच हाथ हटा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सिर्फ गिड़गिड़ाओ, डायलॉग बोलने नहीं बोला था, कि कैसे गिड़गिड़ाए थे तुम जब रोए थे मेरे चरणों में, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मम्मा भी तो थी साथ में। हाँ, और मेरी मम्मी तुम्हें बहुत लाइक करती है, क्योंकि सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जो ताला मैंने लगाया था वो चाबी सिर्फ इनको ही मिली।
और वो चाबी मेरे मम्मी ने बनवाई, और जब मैंने वो राखी के ताले में घुसाई तो चाबी पूरी तरह से अंदर चली गई और वो ताला भी खुल गया। खुश तो ऐसा हो रहा है चाबी घुसाई पर जैसे कुछ और घुसाया। नहीं नहीं, मतलब चाबी मैंने घुसाई और ताला भी खुल गया, और इसीलिए राखी का जो स्वयंवर है उसका वर आज उसके सामने बैठा हुआ है, सामने नहीं सॉरी पीछे बाजू में बैठा हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूं कि करोड़ों करोड़ों लोग जो राखी से प्यार करते हैं, लेकिन राखी की हमारी शादी, इससे फालतू बातें बंद करो, हमारी शादी में कितने सीआर और कितने पैसे खर्च होने वाले जनता को बता दो। कुल मिला के ये शादी जो है उसके लिए बहुत बड़ा तो बजट नहीं है, लेकिन 70 करोड़ जो है, कल तो तुम मुझे 85 करोड़ बोल रहे थे, 15 करोड़ कैसे कम कर दिए? तुमने कपड़े कैंसिल किए, वो न्यूड शादी होने वाली है, और जो 15 करोड़ जो हम लोग कैंसिल, नहीं, तुम अभी बार बार ऐसे बजट कम करते जा रहे हो, तुम शादी कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये बता दो। एक्चुअली कल जो मैंने बोला था वो रुपीज में था, ये मैं डॉलर्स में बोल रहा हूँ। हाँ, तो अच्छा बजट होगा शादी का, और उसके बाद में बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पे शिरकत करने वाली है, यहां तक कि हॉलीवुड से मियां खलीफा और जॉनी सीन्स भी आने वाले, जो कि बहुत बड़े पॉर्न स्टार है वहां। पॉर्न स्टार क्या करेंगे हमारी शादी में? अरे तो वो हनीमून में थोड़ी आ रहे हैं, वो तो शादी में आके सिर्फ हमें विश करेंगे। पर पॉर्न स्टारों को क्यों बुला रहे हो? मैंने यहाँ से अमिताभ बच्चन जी को, शाहरुख जी को, सलमान जी को, अरे तो करीना जी को, तो वो वहां पे रणवीर वगैरह, तैमूर, ये सब आ रहे हैं। तो हॉलीवुड में वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं एलए में रहता हूँ, मलिबू में। अरे तू एलए में रहे के खंडाला घाट में रहे, मुझे क्या कर रहा है? लेकिन तू पॉर्न स्टार को क्यों बुला रहे हो? सनी लियोनी को बुलाया तुमने? नहीं, क्योंकि सनी लियोनी और तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, और इसीलिए मैंने नहीं बुलाया, क्योंकि मैंने तुम्हारे वीडियोस देखे। किसने कहा? सनी लियोनी को मैं पसंद नहीं करती, मेरी बहन है वो। सनी लियोनी ने खुद कहा, इतनी मेहनत करके वो आगे बढ़ी है, कितनी मेहनत, तुमसे ज्यादा मेहनत उसने करी है। यूट्यूब में देखो कितनी मेहनत लगती है सब करने में, आता है क्या तुमको कुछ? ये शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मुझे भी ऐसे मेहनत करवाओ जल्दी। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि जितनी सनी लियोनी ने मेहनत की है उससे तिगनी या छठगुनी हमारी राखी करेगी, और वो हॉलीवुड में वो मेरा मेहनत कर, ऐसा देखो किसी औरत को ऐसा ना बोलो। हाँ, यूट्यूब में मैंने इतना देखा, इतने मेहनत कर करके वो आगे बढ़ी है। राइट, नहीं नहीं ये बात माननी पड़ेगी, तो ही ना करो तुम उसकी इतनी। राखी कैसे ढूंढा आपने, इतना अच्छा बोला आपने। ये बेंचवाद मेरी किस्मत मारी गई थी, दिमाग का भोसड़ा हो गया मेरे, जैसा लंड जैसा दूल्हा मिला बेंच। ऐसे नहीं है, राखी मुझे प्यार से लंड कहती है, बट मैं सच कहूं वो मुझे बहुत प्यार करती है, और बहुत मुझे इतना प्यार करती है राखी, तो मजाक मजाक में वो अगर मुझे कुछ कहती भी है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी जो राखी है वो बड़बोली है, लेकिन दिल से वो बहुत अच्छी है। तो राखी, अगर आप इतना खुश नहीं हो, आपको इतना अभी टेंशन लग रहा है, तो फिर आप शादी क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, जी मैं शादी इसलिए कर रही हूँ ताकि शादी के बाद भी मैं पवित्र रहूं, क्योंकि ये शादी के बाद भी हमारी भाई बहन की जोड़ी बनी रहे। एक्सक्यूज मी, ऐसी कौन सी दुनिया में लिखा है कि शादी के बाद सेक्स होना जरूरी है? ऐसी कौन सी दुनिया में लिखा है कि शादी के बाद भाई बहन हम लोग बन के नहीं रह सकते? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि राखी ने टकीला शॉट लगाया। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक रेस्टोरेंट में थे जहाँ पे राखी, मैं शराब नहीं पीती, नहीं तो मैं पवित्र हूँ, प्लीज। नहीं मतलब थोड़े तुमने लगाए थे ना यार, झूठ मत कहो यार। अरे मैंने ही तो तुम्हारे मुंह में डाले थे क्या टकीला शॉट्स की पिचकारियां? मैं सब नहीं करती। नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग की शादी हो रही है और हम लोग इसने खट्टी लस्सी की पिचकारी पी है, मुझे लगता है शायद इसीलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम लोग, मैं एक सच्चा मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पे है प्लीज। अरे तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं लॉस एंजलिस से आया हूँ ये सुनने के लिए आया हूँ क्या? देखो लॉस एंजलिस से इतने दूर से मैं आया हूँ। दीपक जी आप कम बोले, राखी जी बोलने दो। हाँ राखी जी, जैसे कि आपने बताया, ये लंडूस कब से बोला जा रहा है, मुझे मौका ही नहीं दे रहा है। राखी जी, जैसे आपने बताया कि शादी में बड़े बड़े सेलेब्स आएंगे, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह, सो क्या वो नेकेड शादी में सभी नेकेड होंगे?
या फिर आप हाय हाय मुझसे पहले तो तुम मजे ले रहे हो तुमने अपनी आंखों में सारे स्टार को नंगा कर दिया तो क्या ये हमारे स्टार्स को न्यूड रहेंगे या ये कपड़े पहनेंगे डेफिनेटली जो भी शादी में आएगा उसको अनज़िप और अनबटन होना होगा क्योंकि ये मैंडेटरी है क्योंकि ये शादी बहुत स्पेशल होने जा रही है अमेरिका में एक ऐसा होता है अभी मुझे बोलने दे देखिए अमेरिका में ऐसा होता है कि न्यूड शादी भी होती है अगर शायद आप लोग को नहीं पता है तो आप देख लीजिए मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि न्यूड शादी करने के मेरे तो बड़े बड़े सपने थे कि मेरे भी लहंगे करोड़ों में सीआर में आए लेकिन अभी दीपक कलाल ने जो है पूरा बजट जो है खत्म कर दिया और उन्होंने न्यूड शादी के लिए घोषणा कर दी और उन्होंने कहा जितने भी सेलिब्रिटीज के तुम्हारे आएंगे सब सेलिब्रिटी अमित जी वगैरह शाहरुख खान सलमान खान जी आमिर खान जी ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन शाहिद कपूर सैफ अली खान कितना और क्या क्या नाम है सनी लियोनी उसको तो मिया खलीफा अरे वो पहने ना पहने की बात है जॉनी सीम्स ये सब तो क्या है ना कि वहां पे अमेरिका में ऐसा होता है कि सिर्फ आगे केले के पत्ते नीचे केले के पत्ते और फूल लगा के ही आप शादी में आ सकते हैं वैसे एक शादी का ट्रेंड चल रहा है अमेरिका में क्योंकि जब हम अमेरिका का पिज्जा ले सकते हैं कोको कोला ले सकते हैं वहां की सारी चीजें ले सकते हैं पश्चिम की केले ले सकते हैं अमेरिका के केले तुम्हें केलों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं मतलब तुम केले ले लेके बड़े हुए हो नहीं तो जब हम वहां का हैश मीटू ले सकते हैं तो वहां की शादी क्यों नहीं ले सकते राइट तो इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है न्यूड शादी का बट आपने लिया है तो मैं आपके लिए न्यूड हो सकती हूँ ऐसी कोई बात नहीं, नहीं, नहीं मैं बहुत खुश हूँ लेकिन मैं चश्मे पहनूंगी चश्मे पहनूंगी मैं अच्छा मतलब ताकि मेरी आंखें ढकी रहे ओके ओके ठीक है नहीं ये बहुत अच्छी बात लेकिन मेरे मेरे पुर्जे दिख जाएंगे उसका क्या है उसका क्या करोगे नहीं स्टार्टिंग में तुम्हें ऑकवर्ड फील होगा लेकिन एक बार आदत डाल दोगी तो रोज भी वैसे घूमोगी फिर आदत हो मतलब आदमी को आदत डालनी चाहिए उसकी किसकी मतलब हमें जो है वो पुर्जा दिखाने की हाँ और तुम्हारा पुर्जा दिख जाएगा उसका क्या है तो मेरे तो वीडियो में मैं दिखाता हूँ ना लेकिन दीपक आपको अच्छा लगेगा आपकी वाइफ न्यूड घूमेगी सबके सामने देखो मैं इस बात को गलत नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता तुम इस बात को गलत नहीं मानते हो कि मेरा कोई शरीर देख ले अरे क्योंकि सोच लोगों की कैसा बनती है हमें लोगों की सोच बदलनी है राखी तुम समझने की कोशिश करो अगर वो सोच अच्छी होगी तो हमें जो है वो नंगी चीज भी देखकर कोई मन में बुरे ख्याल नहीं आएंगे ऐसा कहा है कोई आदमी है इस दुनिया में ऐसा अरे मुझे ही देख लो अगर कोई चीज ऐसी देखता हूँ तो मुझ में बुरी फीलिंग नहीं आती है लेकिन ये आपको आदमी कहाँ बोल रही है ये तो आदमी है ही नहीं 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 क्योंकि वहां पे ये आम बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें हमारी सोच बदलनी चाहिए और कोई लड़की अगर नग्न है इसका मतलब ये नहीं है ये बात बताओ कि मुझे मेरे सोशल मीडिया पे सब कहते हैं कि तुम इसके साथ शादी करोगी तुम्हारे स्वागत नहीं होगी नहीं होगी ये तो छक्का है ये तो नामर्द है तो भाई क्या 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 मैं बोलूं दुनिया को बताओ उनको ऐसे कहो कि 31 दिसंबर नाइट को लाइव स्वागत होगी इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह से लाइव स्वागत होगी लेकिन मेरे साथ या किसी आदमी के साथ नहीं नहीं डेफिनेटली तुम्हारे साथ कौन करेगा मतलब तुम इस बात के लिए अग्री नहीं हो बट कौन करेगा कौन मतलब मैं करूंगा डार्लिंग क्या करेंगे क्या करोगे लाइव सुहागरात करेंगे हम लोग और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत है क्योंकि इससे समाज को प्रूव हो जाएगा कि मैं एक हट्टा कट्टा मर्द हूं और मुझे ऐसा लगता है कि राखी जो मुझे गलत समझ रही है उसको भी इस बात का एहसास होगा तुम्हारे सारे दोस्त कह रहे देखो इंस्टा पे सब्जे की मेज को कैसे कैसे वीडियो भेज रहे कि दीपक कलाल तो कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता आप बताओ कैसे विश्वास करके मैं तुमसे शादी करूं बताओ तो इसमें विश्वास करने की कोई बात नहीं है जब करेंगे तो वो विश्वास को हम यकीन में बदल देंगे क्योंकि हम वो मर्द है जो दर्द दे सकते हैं हाँ तो तुम मर्द हो कि ना मर्द हो नहीं डेफिनेटली मैं मर्द हूँ और उसका मैं एहसास जो है वो राखी को डेफिनेटली दूंगा ठीक है तो अभी ये मंगलसूत्र मैं आपके लिए लाई हूँ और आपको पहना रही हूँ मंगलसूत्र हाँ सदा सुहागन रहो ये तो दंगल सूत्र लग रहा है तो दंगल ही तो होने जा रहा है सदा सुहागन रहो लेकिन ये मंगलसूत्र तो लड़का लड़की को पहनाता है तो तुम मुझे क्यों पहना रही हो तो लड़की लड़की को पहना रही है ना तो शादी में तो इसके लिए गाना हो जाए कौन सा चल गई गली तेरी सुनहरे कोठे में ये गाना तुम नहीं तो सुने चंपा सुनो तारा कोई जीता को
कम ऑन राखी, तुमने मुझे क्या बना दिया है ये? अरे इसे पहने रखो। मुझे ये कतई पसंद नहीं है, मैं एक मर्द हूँ और तुम मीडिया के सामने मुझे क्या साबित? जो तुम हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे वीडियोस में मैं लड़कियों की एक्टिंग करता हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं एक हाचा काचा मुश्तंडा मर्द हूँ और इसका एहसास मैं राखी सावंत को दिलवाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 31 दिसंबर के रात को इनवाइट किया कि नहीं, पासपोर्ट वगैरह सबके? डेफिनेटली जितने भी मीडिया के लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको एलए में आना है और आपके पासपोर्ट डिटेल्स प्लीज दीजिए, आपके टिकट्स और आज लाना मना है। हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज मैंने ये जो साड़ी पहनी है ये अमेरिका का फ्लैग जो है, जो हमारे मैकडॉनल्ड ट्रम्प जी ने मुझे ये साड़ी गिफ्ट करी है। और वो कहते हैं कि रॉकी एक टाइम पे तो अपने अपने प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगाया था, वो बहुत नाराज हुए थे, वो कहने के लिए था, बट वो नाराज नहीं हुए तो बहुत खुश थे क्योंकि अमित जी ने मुझे खुद कहा था कि आप लगा सकते हो, डजेंट मैटर, सो डोंट वरी, मैकडॉनल्ड ट्रम्प मेरे साथ है। उन्होंने ये कहा था कि आज सुबह ही मुझे 5:30 बजे ये साड़ी अमेरिका से आई गिफ्ट, और तभी मैंने ये साड़ी पहनी है और मुझे लगता है कि मैं इसमें काफी खूबसूरत लग रही हूँ। और मैकडॉनल्ड ट्रम्प जी ने 5 अपने फ्लाइट भेजे, ये क्या कर रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट अभी मैं कंप्लीट नहीं हुआ, 5 फ्लाइट चार्टर्ड भेजे हैं सारे स्टार्स के लिए, बॉलीवुड स्टार्स मेरी शादी में आएंगे, आएंगे ना? जरूर आएंगे, लेकिन ये साड़ी तो मैकडॉनल्ड ट्रम्प ने दी है, लेकिन अंदर जो ब्रा और पैंटी है वो मैंने दीपक कलाल ने दी है और वो भी चॉकलेट फ्लेवर की है। कितना घटिया आदमी है, तुम्हारी सुई ब्रा और पैंटी पे क्यों टिकी रहती है? क्योंकि वही असली लज्जा का रक्षण करती है, भले वो 4 इंच की होती है लेकिन मेन पुर्जे की लज्जा का रक्षण वही तो करती है डार्लिंग। राखी जी, इन दिनों बिग बॉस के घर पे काफी बहुत ही घमासान हुआ है, लड़ाई हो रही है सुरभि राणा, आप कितना फॉलो कर रही है, थोड़ा सा बिग बॉस के बारे में थोड़ा सा आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए मेरी शादी है, ये बिग बॉस डिग बॉस विग बॉस के बारे में बात न करें प्लीज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी शादी है और मेरे लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मेरी मेहंदी हल्दी संगीत, संगीत में आपने देखा कि दीपक कलाल ने कितना अच्छा डांस किया, दीपू थोड़ा डांस करके दिखाओ, एक वाला कौन सा कर, 1 मिनट हाँ थोड़ा आपको एक डांस करना, और राजा 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 कोरा उठा ले पानी पूरा चटाई तू बिछा जा, बाहियों में कसी के सैया मार लो कचा कोच 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 कोच, बाहियों में कसी के सैया मार लो कचा कोच कोच कोच। तो ये डांस जो है ये हम करने वाले हैं, हमारे संगीत का डांस है ये और हम लोग संगीत में ऐसा डांस करने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे मराठी जो मेगा है उसके बार बार मराठी जी, आपका हो गया शादी का हो गया जी, धन्यवाद धन्यवाद, प्लीज आप सब लोग हमारी शादी में आइए। राखी जी आपने माफी मांगा है सारा अली खान और आपने, काफी सवाल राखी, काफी सारे फैंस जो कह रहे हैं कि राखी का कोई नया ड्रामा है, उनसे आप क्या कहेंगे उन फैंस? देखिए मैं तो सारी जिंदगी जवाब देते देते थक गई हूँ, जब मुझे चोट लगी तो लोगों ने कहा कि ये ड्रामा है और रेबल मार के मुझे चली गई, अब मैं शादी कर रही हूँ तो लोग कहते हैं ड्रामा है, मैंने तो पति मांगा था लेकिन मुझे मिला पतीला, मैं क्या करूं? तुम पति ले ही हो, आओ 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 आओ, पति ले ही हो, क्या करूं बताओ, इन्होंने प्रपोज किया मुझे, मैं पतीला हूं तो तुम्हारा पुलाव मेरे अंदर पकने देना है? हाँ, और ये पुलाव जो है ये डेफिनेटली पकेगा, और ये शादी का पुलाव खाने के लिए आप सबको आना है क्योंकि ये शाही बिरयानी बनने वाली है। हमारा पुलाव पकेगा तो उसमें आलू वगैरह सब कौन डालेगा? उसमें सिर्फ आलू नहीं होंगे, काजू होंगे, किशमिश होंगे और बहुत सारी चीजें होगी जो आपके टेस्ट बढ़ाएगी और आपको असली स्वाद देगी। तो मतलब हमारा पुलाव बनेगा? डेफिनेटली। तो अब 31 को ही देखते हैं, या 31 को आप आना, क्या हमारा पुलाव बनता है या बिगड़ता है, और उसी दिन रात को लाइव सुहागरात होगी और वो भी आप जरूर देखना। चलो गाइस थैंक यू। राखी एक आखिरी सवाल, सारा खान और आपका जो बयान था बुर्का को लेकर वो काफी चर्चित है, उस पर आप क्या कहेंगे? काफी लोग, मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा कोई बयान दिया है और मुझे नहीं लगता, वो सब लोग पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं और उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, मुझे नहीं लगता सारा ने ऐसा कुछ भी गलत बोला है और ना ही मैंने कुछ बोला है, अगर बोला भी होगा तो हम बहुत पहले माफी मांग चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, लव यू, मुझे टाटा कर जो टाटा।
क्या कर जो टाटा कर जो करो तुम भी करो क्या सबको कहो करो मुझे टाटा कर जो टाटा कर जो मुझे टाटा कर जो टाटा कर जो करो माँ बाय टेक केयर माँ।